हो मैं कितना कुछ मैनेज करती हूँ अकेली, फिर भी आप लोग इतना कुछ बोल। जय जय मम्मा के छु घूमने निकले हैं। इसने आने के बाद ना मेरी पूरी दो सोचा वो सारा उल्टा हो गया। जैसे ही हम पहुंचे, हम तो चले घूमने, हमने नहीं पी, हमने पी है, जिसने भी पी है आदत बुरी है। राजस्थान में इतनी ज्यादा गर्मी, यहाँ तो हम जिस जिस वे में जा रहे हैं ना वहाँ वहाँ बारिश आ रही है। बस ये सबसे अच्छी बात है। और जब रास्ते में सफर करें और ऐसे बारिश आए और फिर अच्छे अच्छे म्यूजिक बजे, और क्या चाहिए, है ना जेठू जी। और मेरा बच्चा दोनों हेमंत पीछे सो रहा है और हमारी केचू मेरी भोजी में छोरी है। अब इनको दोनों नीतेश भैया और राम सिंह चाचू के साइड में बीच में खिला दूंगी इसको, है ना सुन परी। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30। पूरी रात हम लोग ट्रैवल किए, पूरी रात बारिश थी, एक मिनट भी सोए नहीं। और आपको बता दें कि इस पूरे रास्ते में ना कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा, कहीं पे भी, है ना जेठू जी। सबसे कम हाईवे पे सबसे कम रेस्टोरेंट है इसे। मतलब रात भर से हमको भूख लगी थी। वो देखो हेमंत है ना, इतने सारे चिप्स वगैरह लेके आया है, क्योंकि हेमंत कल ना रात दोपहर को खाना खाया हुआ था, फिर रात को वो सो गया और फिर वो 4 बजे से उठा हुआ, मम्मा भूख लगी, 3 बजे से मम्मा भूख लगी। और अब जाके यहाँ पे हमको खाना मिला है, खाना अच्छा था काफ़ी। 9 बज गई बेटा, हाँ ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। 7 घंटे सो अब 6 घंटे वेट करके मिला, कर लिया है, मस्त मजा आ गया। अब हम जा रहे हैं, राम जी हम कहाँ जा रहे हैं जेठू जी? हो सकता है मैसूर, हो सकता है बेंगलोर, हो सकता है स्वर्ग। अब किस साइड जाएंगे वो नहीं पता है, गाड़ी जा रही है। साइड वही जाएंगे, अब जाएंगे किस जगह वो, जब जहाँ रुकने का मन होगा वहाँ रुकेंगे, पता नहीं। मौसम मेहरबान है, हाँ यार कहीं भी थकान नहीं आएगी, कहीं भी रुकेंगे तो मज़ा आएगा। मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो जैसे लगता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है। इधर देखो क्या करता है इसे, ठंडिया है हवा भर रही, मुझे बहुत पैर दर्द हो रहा है, सबको क्या क्या थक गया हो रहे। आप लोग सोच रहे हो केशवी कहाँ है, केशवी गाड़ी में सो रही है। उसको आप सबको बताया उसको गोदी नहीं पसंद, हेमंत बोलता है मम्मी ये कैसी बहन है मेरी, उसको गोदी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है उसको गोदी, उसको नीचे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको या तो माचे पे सुलाओ या उसको खुला खुला रखो तो उसको ज़्यादा पसंद है। मिट्टी भी है, मिट्टी आएगी नहीं, कोई बात नहीं। तो बस अब उसके लिए हम पानी गर्म करते हैं वापस, हम सारी सामान लेके आए हैं उसमें से, अब जहाँ पहुँचेंगे उस हिसाब से आपको बताएंगे हम। पता है छोटे बच्चे वैसे होते हैं, हम उसको जिस वे में ढाल देते हैं वो वैसे ही ढल जाते हैं। मैंने हेमंत के साथ भी फर्स्ट ट्रिप ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे की थी, बाई रोड की थी, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं बाई रोड ही जाते हैं। तो मैं चाहती थी मैं केशवी को भी वैसे ही लेके जाऊँ ताकि आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये भी हमारे साथ एंजॉय कर रही है। यहाँ पे राम सिंह भैया, जेठू जी, नितेश भैया, मैं और हेमंत तो पीछे सो रहा है। हेमंत इस बार ना सोने के मजे लिए, क्योंकि वो पीछे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी ना, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो सो रहा था, और मैं ये मस्त मौसम का मज़ा ले रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और इधर केशवी जगी हुई थी तो मैं तो सो नहीं पा रही थी कि भैया कब रोना शुरू हो जाए, छोटी बच्ची है, बट ये एंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब ना केशवी को खूब सारी ब्लेसिंग देना और थू 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 जरूर जरूर करना। सो हम पहुंच गए हैं हमारे होटल में, और ये है हमारे होटल का नज़ारा जिसमें पापा बेटू अपनी बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे हेमंत अपने भाई के साथ, राम सिंह भैया पूरे 24 घंटे बाद अपने फ़ोन को, अपने फेसबुक को खंगालते हुए, है ना राम सिंह भैया पूरे 24 घंटे बाद, है नहीं। और जो बाहर का नज़ारा है इतना शानदार है, इतना शानदार। और यहाँ पे इन दोनों को देखो, मेरी केशु को ऐसे रहना ज़्यादा पसंद है, और ये रही मैं, पूरा टाइट हो गए एकदम अच्छा खासा। अब हम खाना खाएंगे, खाना भी हमको ना यहाँ पे जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा, होटल में अभी अवेलेबल नहीं है। कितना खुश हो गई है, तो बस अभी हम सो जाएंगे, सो के उठ के शाम को मस्त हम जाएंगे
मैसूर टूर करने, एक दिन मैसूर रुकेंगे, फिर आगे मतलब आसपास की सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे हम। तो आप लोग बने रहना डेली, हर दिन एक नया व्लॉग आएगा, हर दिन एक नई जगह आपको देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी। और मेरे केशव को देखो कितनी खुश लग रही है, देखा इसको ऐसे रहना पसंद है, इसको ऐसे रहना बहुत पसंद है ना केशव, केशवी। उसको मैंने अभी खोल दिया है उसका डायपर, और ये देखो मैं साथ में लंगोट भी लेके आई हूँ, ये वाला लंगोट लेके आई हूँ साथ में, अभी कुछ देर ऐसे ही छोड़ दिया फिर उसको करूँगी। सो मम्मा वे टू टाइम, अपने रूम में आ गए हैं हम दोनों। केशी की बातें सुनोगे, केचू कहा हुआ, केचू कहा हुआ, जब को राधे राधे बोले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय, देखा देखा ये बोला ना जय जय। हाँ कहाँ आयो छपको बताओ, घूमने मज़ा आ रहा है, घूम के मज़ा आ रहा है, छपको बताओ 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 कितना मज़ा, हाँ इतना मज़ा आ रहा है, ओहो खूब सारा मज़ा आ रहा है केचू को तो, केचू को तो खूब छला मज़ा आ रहा है, बेतू को तो मेरी छोटी, हाँ मेरी केचू को बहुत सारी बातें करनी है मम्मा साथ, मम्मा काम नहीं करेगी, मम्मा आपके कपड़े नहीं धोएगी, आपको मालिश नहीं करेगी, हाँ बताओ बताओ, बहुत सारा काम करना है मम्मा को, मम्मा को बहुत सारा काम करना है, छूनू 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 छूनू, हाँ खोखो हों को खोखो क्या होता है, हाँ कहो छुन्नू ये मेरी छुन्नू, हाँ बेटू मालिश करो, हाँ नहीं 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 बेटू थक गई है, मेरी बेटू थक गई थक गई थक गई, हाँ मालिश होना बहुत जरूरी होता है। कौन मार रहा है केचू को, छब हट जाओ, मम्मा केचू घूमने निकले हैं, बहुत मजा मजा करने वाले हैं हम, है ना केचू, बहुत मजा, भैया वीडियो बना रहे है ना। मैं हेमंत को भी ऐसे ही मालिश करती थी, है ना हेमंत, पिछले साल तक जब तक केशवी पेट में नहीं आई थी तब तक मैंने हेमंत को भी खूब मालिश की है ना लाला, हाँ मालिश करने से बच्चे बहुत स्ट्रांग होती हैं, बच्चे बहुत स्ट्रांग होती हैं, मेरे छोटा बाबू बहुत स्ट्रांग रहेगा, हाँ चौथो 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 आ जा आ जा आ जा, अला गुल्लो 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 म्याऊ, हम जा रहे हैं, देखो 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 कैसे कैसे करती है, देख रही हूँ अच्छा खासा बदमाशी करना सीख गई है, अच्छा देखो मुंडी कैसे उठा रही है, देख तो इसका मुंडी दिखाता हूँ, देख कैसे मुंडी उठा रही है, हैं कहाँ करती हो अच्छा छोनू, तो बच्चे को क्या है इतनी दूर का ट्रैवलिंग करके आई है ना, अच्छा खासा दिन में दो से तीन बार इसका मालिश हो जाएगा ना, फ्रेश हो जाएगी, अभी मालिश हो जाएगी, फिर रात को हो जाएगी, फिर वापस कल सुबह हो जाएगी, शाम को नहीं होती मतलब रात को मतलब शाम को, वैसे तो घर पे तो मैं इसका तीन बार करती हूँ, एक बार वो दीदी आके करती है, दो बार मैं खुद करती हूँ, हाँ चोनू चोनू चोनू, सो गाइस आगे जो भी होता है मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रही मैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने नाइटी पहनी है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे तो ये सो रही है, ठीक है आपको बताइए, हमारे तीन रूम है, ये कुछ कपड़े मैंने केशवी के धोखे सुखा दिए हैं, यहाँ सो रहे हैं जेठू जी सो रहे हैं, ठीक है आते ही खाना भी नहीं खाया था सो गए, हेमंत नितेश भी है राम सिंह भी तीनों सो गए, तो चलो भाई जल्दी जल्दी केशवी के पास चलते हैं, हमारी केशवी अकेली है, अब आप देख रहे हो मैं कितना कुछ मैनेज करती हूँ अकेली, फिर भी आप लोग इतना कुछ बोलते हो यार, समझ बोला करो, बहुत मेहनत लगती है यार, पता है इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं मेरे, बट फिर भी अब मुझे एडिटिंग भी करनी है, कुछ पार्ट इस वाले चैनल पर देखेंगे कुछ पार्ट उस वाले चैनल पर, तो दोनों चैनल पर बराबर एक्टिव रहना, दोनों चैनल पर सारा पार्ट्स अलग अलग आएंगे, सारी चीज़ें अलग अलग आएंगी, हम लोगों को खूब एंजॉय आने वाला है, जितना मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को हर एक पार्ट दिखाऊँ हर एक चीज़ दिखाऊँ। तो यहाँ पे केशवी को नहला लिया धो लिया दूध दूध पिला के तैयार करके नाइट सूट बना दिया है और नीचे लंगोट बना दिया है ताकि कुछ देर एकदम बिना डायपर के रहे, और
और अब बस ये सो गई है, अब मैं भी सोऊंगी। फिर जो कपड़े हैं वो कुछ कपड़े धो दिए हैं मैंने, कुछ बाकी हैं जो अब उठ के धोऊंगी, क्योंकि फिर उठ के मुझे एडिट भी करना है। और इतनी ज़्यादा थक गई ना कसम से, हाथ दर्द करने लग गया क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था ना। बट मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा। बहुत लंबे टाइम से हम काफ़ी जगह का एक्सप्लोर करने का सोच ही रहे थे, फाइनली हो रहा है, प्लान बन गया हमारा। आज शाम को मैसूर घूमेंगे, इफ अगर नींद खुल गई तो, क्योंकि मुझे शैम्पू भी करवाना है, थ्रेडिंग भी करवाना है, नहीं तो फिर कल घूमेंगे हम मैसूर। आज एकदम पूरा प्रॉपरली खाटा राम सिंह बैग, वही उसी वाले बैग में जिसमें वो मेरा मोबाइल चार्जर है ना, उसमें भी एक खाटे का पैकेट है। तो फिर वो सारा का सारा वेट करेंगे। तो अभी मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर उठूँगी उसके बाद एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो आप लोगों को खूब सारा प्यार देना है, प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स, हम सबको खूब सारी ब्लेसिंग दो। हम मस्त घूमें फिरें, खूब 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 सारा इन्जॉय करें, जितना हो पाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ बेटा ये ना, जितना हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना। सो के उठ के फिर मिलती हूँ। आगे नितेश भी ऐसे गोटी से कुछ माँ की गोदी में नितेश एक गोदी में लेके नितेश कुछ नितेश 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 मेरी राधा रानी की जय हो। मम्मा की नको नको का केशव की जय, केशव की जय। इसने आने के बाद ना मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी, पूरी जान है। सुनू बेटू है मेरी, छुनू बेटू। चलो अब हम जा रहे हैं होटल खाना खाने, होटल नहीं कहीं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बाहर कुछ उसकी टोपी बेच अगेन रेस्टोरेंट। हम आए यहाँ पे खाना खाने, हेमंत और वो लोग गए हैं वहाँ पे तेरी पारी लाने, क्या नहीं वो क्या खाने? बर्गर की का बर्गर खाने हम तो मैं करके दिखाओगे। हम तो साउथ इंडिया आए हैं तो, हाँ तो साउथ में मैं तो पूरा साउथ इंडियन आइटम खाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, प्योर वेज होटल है। मैं तो अब जितने दिन यहाँ रहूँगा महाराष्ट्र में तो मराठी आइटम खाई रहे महाराष्ट्र, अब यहाँ पे खाऊंगा मैं साउथ इंडियन उसके लिए। जेठू जी ने जो सोचा वो सारा उल्टा हो गया। जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन सारा खाना खत्म हो गया था। उन्होंने बोला था अब नॉर्थ इंडियन का थोड़ा सा ही खाना बचा है, जल्दी से ऑर्डर दे दो। वैसे ये वाला होटल ना मैसूर का सबसे बेस्ट होटल है, प्योर वेजिटेरियन है, खाना भी अच्छा था, ठीक ठाक था। फिर हम यहाँ पे खाना वाना खा के हेमंत और नितेश भी अभी आ गए, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वॉक किए क्योंकि लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही थी, तो कुछ वीडियोज भी बनाने हैं यार। और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, फिर मैंने बोला यार एक अच्छा सा ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं केशवी के साथ, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है तो हर फोटो वीडियो सारी मेमोरेबल होनी चाहिए। फिर जो हेमंत ना वहाँ से बर्गर लेके आया था वो हमारा बहुत अच्छा हो गया कि ठीक है, मैंने बोला मेरे लिए भी लेके आया ना। तो अब हम चले हमारे होटल में, और यहाँ पे ना मैसूर में रात को 10:30-11 बजे एकदम शांत हो जाता है, जबकि हमारा दिल्ली गुड़गांव तो पूरा अपोजिट है, पूरा रात को 11 बजे स्टार्ट होता है। तो हम पहुँच गए हैं होटल हमारे, हमारी केचू निन्नी ले रही है, पापा बैठो अपनी बदमाशियाँ कर रहे हैं, वहाँ से वो पीछे अपना सारा सामान निकाल रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है अभी। और आपको बता दूँ यहाँ पे मैसूर में ना रात में 10:30-10 बजे सारी चीज़ें बंद, बंद मतलब सारी की सारी चीज़ें बंद। तो हमको खाना ही प्रॉपरली नहीं मिला, बट ठीक है वो तो हेमंत बर्गर किंग का बर्गर ले आया तो ठीक है, बाकी खाना ही ख़त्म हो गया था। लेकिन रोड में हमने खूब सारी वीडियोज़ बनाए, खूब मस्ती की। हम जाके सोएंगे और कल वापस कहाँ जाएंगे यहाँ से वो कल ही पता चलेगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब तो फाइनली वापस आ गए हैं होटल। अब समझ नहीं आ रहा सरिता जी क्या कहूँ, खाना खाते आ गए हैं या ले गए दोनों दोनों। क्या कि वेज रेस्टोरेंट जो था उसमें टाइम कंप्लीट हो चुका था, साउथ इंडियन डिश बंद हो चुके थे, नॉर्थ इंडियन में थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा बहुत मिल रहा था चावल। हाँ तो मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया, एक नॉर्थ इंडियन थाली और चावल लेके हम दो तीन ने थोड़ा बहुत कर लिया, हेमंत के लिए, नितेश के लिए, माँ उसकी माँ के लिए हम ले आए बर्गर। तब तक जाने से पहले देखो हमने मैं लाया था, जाने से पहले सारे कपड़े धो धो के कपड़े सूख गए, हमारी लंबी सारी चीजें तैयार हो गई है वापिस। नितेश भैया मालिश
थोड़ा मिलेगा दूध। रितेश भी देखो माइक सेट कर रहे हैं। And your brother is ये आपकी शिकायत रहती है ना कि सहिता जी आप चलते चलते तेज बोलते हो, वो इसलिए माइक की इशू। केचू को घूम के आई, तब तक केचू कोई नहीं छोई छोई करी, बच बेड पे आती। ये देखो ये केचू का नाइट सूट है, अब मैं इसको नाइट सूट पहनाऊंगी, ड्रेस चेंज कर दूंगी, और ये उसका सुपर मॉमी का लंगोट है वो पहना दूंगी। बस हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम रखते हैं डायपर, अदरवाइज मम्मा लंगोट में रखती है मेरे को लंगोट में। ओ ओ ओ ओ मेरा चोनू 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 मेरा चोनू दुद्ध बनाती हूँ, मेरे चोनू का दुद्ध बनाती हूँ, दुद्ध 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 देखो इसको सोना नहीं है, इसको ऐसे करना है, झूला झूलना है, क्योंकि इसको घर पे ना झूले की आदत है, ये घर पे झूला झूलती ही सोती है, और इसको दो तीन दिन से झूला नहीं मिल रहा है, तो ये झूले को ढूंढ रही है। तब गुस्सा हो गई, पता है अभी हेमंत कि भाई नहीं इसको ऐसे झूला झूलना, तो फिर मैं इसको ऐसे ऐसे लेके झूला दे रही हूँ। रो रो के भूत बना देती सबको, है ना हेमंत। हाँ देख, हाँ नहीं तू बहुत अच्छी बच्ची है, केशु सबसे अच्छी बच्ची है मेरी। हाँ मैं तुम लोग सुनने जाऊँ बेटा, मैं फाइनली केशवी को नींद आ गई है, तो जेठू जी के पास सुला दिया है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने कपड़े कहाँ कहाँ सुखाए हैं। जेठू जी बोल रहे हैं हे भगवान तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, कपड़े भी सूखने ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर घूमने आए तो मैं ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ, तो दोनों बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धोने। यार मैं तो हमेशा से ऐसे करती हूँ, बाहर जाती हूँ ना तो थोड़े थोड़े जो कपड़े होते हैं वो एक साथ ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठा ना हो। और आपको मैंने ब्लॉग्स कितने इन्जॉय करी हो मुझे ज़रूर बताना, और वो दूसरे वाला चैनल सहिता जेठू शॉर्ट्स पर भी ब्लॉग आया हुआ है, ज़रूर जाके देखना। खूब सारा प्यार देना, मिलते हैं नए दिन नए शुरुआत नए ब्लॉग के साथ।